हेलो एवरीवन वेलकम टू द माय चैनल वर्सेज लर्निंग इंस्टीट्यूट और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान सभा सभा का गठन कब हुआ था तो कैबिनेट मिशन की नाइनटीन की सिफारिश पर जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन जो 1946 में हुई थी उनकी सिफ़ारिश पे हुआ था तो इस तरह सभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ तो वो है कैबिनेट मिशन 1946। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था तो वो है दो माह दो वर्ष ग्यारह माह और अठारह दिन पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई 26 जुलाई 1947 को छब्बीस जुलाई नाइनटीन फोर्टी सेवन को प्रारंभ में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी तो वो थी थ्री एटी नाइन देश के विभाजन के पश्चात संविधान सभा में सदस्य कितने रह गए थे टू नाइन्टी नाइन तो विभाजन के समय संविधान सभा में सदस्य की संख्या थी टू नाइन्टी नाइन और प्रारंभ में सदस्यों की संख्या थी थ्री एटी नाइन स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें कितनी थीं तो वो 542 सौ बयालीस रियासतें थीं जो अपने देश में थी भारतीय संविधान की प्रकृति है तो पूछा जाता है कि जो हमारा संविधान है उसका नेचर किस टाइप का है उसकी प्रकृति क्या है तो वो एकात्मक है और संघात्मक है संघात्मक से मतलब है कि संसद होगी उसमें राष्ट्रपति होंगे और सुप्रीम कोर्ट होगी तो यहां तीन सदन होते हैं दो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा संविधान सभा में जिस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था वो है हैदराबाद ठीक है संविधान सभा की प्रथम बैठक हैदराबाद संविधान सभा के प्रमुख समितियाँ हैं उनके अध्यक्ष संविधान सभा में जो संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जो प्रारूप था वो सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है प्रारूप समिति वो बनी थी 29 अगस्त 1947 को और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता में हुई में पंडित सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और वही इनके अस्थाई अध्यक्ष माने जाते हैं अस्थाई अध्यक्ष तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को उसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और उन्हें अस्थाई माना जाता है या थे संविधान निर्माता सभा में संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी एन राव थे प्रथम कानून मंत्री कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे वी कृपलानी कृपलानी भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था किसे कहा था तो वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की कुंजी कहा गया प्रस्तावना को प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं प्रस्तावना को संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया किस संशोधन द्वारा यह क्वेश्चन आता है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया तो वो है बयालीसवां संशोधन और संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अक्सर पूछा जाता है संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस होती थी हुई थी तो वो है 114 दिन 114 दिन नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अंगीकार किया गया 26 नवंबर उन्नीस को तो 26 नवंबर उन्नीस को संविधान तैयार हो गया था तो सबसे पहले उन्नीस में 26 जनवर उन्नीस को संविधान का अंगीकार हुआ यानी संविधान कंप्लीट हुआ संपूर्ण संविधान लागू हुआ था किस दिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा था वो थे व्हीलर ने भारतीय संविधान को संघीय संविधान उन्होंने कहा था विलर तो मूल संविधान में अनुच्छेदों के अनुसूचियाँ और भागों की संख्या कितनी थी तो अनुच्छेदों की संख्या थी तीन सौ पंचानबे आठ अनुसूचियाँ थी और बाईस भागों की संख्या थी क्लियर वर्तमान में अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ चार सौ चौवालीस से अधिक तथा अनुसूचियाँ बारह हैं आठवीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22। वर्तमान में भारत में कुल राज्य 29। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख 14। जो संविधान था उसमें राज्यों की संख्या 14 थी अब जो संविधान लिया गया है उसके कुछ स्रोत के बारे में डिस्कस करेंगे तो संविधान के स्रोत जैसे ब्रिटेन से हमारा ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन की व्यवस्था ली है विधि निर्माण प्रक्रिया एकल नागरिकता और द्विशदन तो ब्रिटेन से जो हमने लिया है वो है संसदीय शासन विधि निर्माण प्रक्रिया विधि बनाने की प्रक्रिया और एकल नागरिकता जो हमारे देश में लागू है वो ब्रिटेन से ली गई है और द्विशदन यूएसए से हमने लिया है मौलिक अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की स्वतंत्रता सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ राष्ट्रपति पर महाभियोग चौदह दिन के बाद चौदह दिन के लिए लगता है उपराष्ट्रपति का पद तो ये सारी चीज़ें हम यू से लिए हैं कनाडा संघात्मक संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है और विशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना केंद्र के पास होना और विशिष्ट शक्तियों का हमारे देश में जो विशेष शक्ति है वो केंद्र के पास है वो भी कनाडा से लिया गया है आयरलैंड से नीति निदेशक सिद्धांत राष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यपाल की नियुक्ति जर्मनी से आपात उपबंध और उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची एंड केंद्र राज्य संबंध जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया फ्रांस से गणतंत्र रूस से मौलिक अधिक कर्तव्यों का प्रावधान और दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है पूछा जाता है कि कौन सी व्यवस्था किस देश से ली गई है हमारे संविधान के अंदर तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है फिर हम आते हैं क्वेश्चंस के तरफ सो वर्ष 1938 में ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन 1930 में 1930 में ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ पंथरक्षक अखंडता शब्द बयालीसवें संसद संशोधन द्वारा उन्नीस में जोड़ा गया था तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बयालीसवां संविधान संशोधन पहले तो किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में ये समाजवादी निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया किस संशोधन तो वो है बयालीसवाँ संशोधन और किस सन में हुआ तो वो सेवेंटी सिक्स में संविधान की उद्देश्य बयालीसवां संशोधन 1976 प्रारूप में समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी वो थी सेवन तो अब हम डिस्कस करेंगे संविधान के भाग अनुच्छेद और उनका कुछ विवरण तो सबसे पहले भाग भाग वन को में अनुच्छेद हमारा वन से लेकर फोर तक को हम भाग वन कहते हैं और इसमें हम क्या होता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र तथा नए राज्य का निर्माण तो जो वन से ले कर फोर तक अनुच्छेद है उसके अंतर्गत आता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र और नए राज्यों का निर्माण तो जैसे नए नए राज्य बने हैं तेलंगाना वगैरह वो सब इसी अनुच्छेद के अंतर्गत बनते हैं वन से फोर के अंतर्गत और वो आते हैं भाग एक के अंदर उसी तरीके से भाग दो में अनुच्छेद पाँच से लेकर कर ग्यारह तक है उसमें नागरिकता देने का प्रावधान है और भाग थ्री में अनुच्छेद बारह से लेकर कर पैंतीस तक है और इसमें मौलिक अधिकार के लिए प्रावधान है भाग फोर में अनुच्छेद थर्टी सिक्स से लेकर फिफ्टी वन तक है और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का वर्णन है इसमें भाग फोर ए और अनुच्छेद फिफ्टी वन ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं नागरिकों के मौलिक कर्तव्य ये जोड़ा गया था नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा जो हम पहले डिस्कस किए थे तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में ये जोड़ा गया बयालीसवें संशोधन में किस सन में 1976 में भाग फाइव अनुच्छेद बावन से लेकर एक सौ इक्यावन तक ये संघ सरकार से संबंधित है और ये सबसे बड़ा भाग होता है लगभग हंड्रेड अनुच्छेद हैं इसमें भाग सिक्स तो अगर कभी पूछे कि सबसे बड़ा भाग हमारे संविधान का कौन सा है तो वो पाँचवा भाग है भाग सिक्स अनुच्छेद 151 से लेकर 237 तक ये राज्य सरकार से संबंधित है भाग सेवन अनुच्छेद 238 भाग सेवन में आता है प्रथम अनुच्छेद के भाग बी से जुड़ा है और 1956 में सातवें संविधान संशोधन में हटाया गया तो ये कब हटाया गया 1956 में सातवें संविधान संशोधन में हटाया गया भाग एट में आता है अनुच्छेद 239 से 242 फोर्टी टू केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन तो इस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का वर्णन है भाग नाइन में अनुच्छेद 242 से 243 फोर्टी यहाँ आती हैं पंचायतें और कार्यपालिका नगरपालिका। भाग 18 अनुच्छेद तीन से ३६० ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आपात उपबंध होते हैं तीन तरह के आपात उपबंध होती हैं वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं भाग उन्नीस में अनुच्छेद तीन से तीन प्रकरण और विविध भाग बीस अनुच्छेद ३६८ संविधान में संशोधन का विवरण है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाग ट्वेंटी वन अनुच्छेद थ्री सिक्सटी नाइन टू थ्री नाइन्टी टू ये अस्थाई होता है परिवर्तित किया जा सकता है और कुछ विशेष कानून बनाए जा सकते हैं इस भाग के अंदर और इस अनुच्छेद को यूज़ करके जैसे जो कश्मीर मुद्दे का कानून वगैरह सब बना है वो इसी अनुच्छेद को यूज करके बना है भाग 22 अनुच्छेद 393 टू थ्री नाइन्टी फाइव संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन इन चीज़ों का वर्णन भाग 22 में आता है अनुच्छेद 393 थ्री टू थ्री के अंतर्गत अब हम कुछ फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जैसे संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है पांचवा भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग तीन को क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख होता है भाग फाइव के अध्याय फोर में संघीय न्यायपालिका भाग फाइव के अध्याय फोर में संविधान के पंद्रहवें तथा अठारहवें भाग का विषय है क्रमशः निर्वाचन और आपात उपबंध प्रथम लिखित संविधान दिया था अमेरिका ने क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला लिखित संविधान किस देश ने दिया था तो वो है अमेरिका और सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है वो भारत का है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना को शक्ति प्रदान है किस अनुच्छेद में तो अनुच्छेद दो में हमने डिस्कस किया था कि जो भाग एक है अनुच्छेद वन से फोर उसी में यह शक्ति है कि वो संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है और नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति होती है वन से लेकर फोर में तो वो होता है अनुच्छेद दो में भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो भाषा के आधार पर भारत में सबसे पहला राज्य के गठन कौन सा हुआ किस राज्य का गठन हुआ तो वो है आंध्र प्रदेश अब अनुच्छेद तीन के तहत नए राज्यों के निर्माण वो वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है तो वो है संसद को तो अनुच्छेद थ्री के तहत हम नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन कर सकते हैं और यह अधिकार होता है संसद के पास सातवाँ संवैधानिक संशोधन 1956 में हुआ था जो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किया गया था तो सातवां संविधान संशोधन उन्नीस वो किससे संबंधित है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से राज्यों के पुनर्गठन के अध्यक्ष थे फजल अली असम राज्य का गठन हुआ था कब 1956 में गोवा पूर्ण राज्य बना था छप्पनवें संविधान संशोधन से 1987 में सिक्किम को बाईसवा राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ छत्तीसवें संविधान संशोधन द्वारा 1975 द्वारा ये भी इंपॉर्टेंट है सिक्किम को बाईसवा राज्य का दर्जा मिला था किस संशोधन द्वारा छत्तीसवें संशोधन द्वारा 1975 में दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा मिला था उनहत्तरवें संविधान संशोधन 1919 द्वारा तो दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा मिला था उनहत्तरवें संविधान संशोधन 1919 द्वारा राज्य की संप्रभुता निहित है किसमें जनता में तो राज्य की संप्रभुता निहित है अपने देश में जनता में संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है पूछा जाता है कि संविधान में सबसे पहला संशोधन कब हुआ था तो 1951 में वर्तमान में राज्य संघ और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या है राज्य संघ और समवर्ती ये तीन सूची हैं तो राज्य में बासठ संघ में 98 विषयों की संख्या है और समवर्ती सूची में बावन विषय हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है पूछा जाता है कि समवर्ती सूची के विषयों पर विधि या कानून निर्माण करने की शक्ति किसको प्राप्त है तो केंद्र व राज्य केंद्र व राज्य दोनों को वन एवं पर्यावरण विषय किस सूची में आता है वो आता है समवर्ती सूची में कानून व्यवस्था विषय है किसका राज्य सूची का शिक्षा समाचार व पत्र विषय है समवर्ती सूची का ये चीज़ें पूछा जाता है कि ये किस सूची के अंतर्गत आता है रेल डाक और रक्षा विषय आती है संघ सूची में पंचायती राज विषय आते हैं राज्य सूची का ये ग्यारहवीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ग्यारहवीं अनुसूची किस से संबंधित है पंचायती राज्य से पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग होता है तो पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायिक रीटों का प्रावधान है याद रखिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायिक रीटों का प्रावधान है और ये रीटों हैं बंदी प्रत्यक्षी प्रत्यक्षीकरण जो 24 घंटे के लिए होता है परमादेश प्रतिषेध और चौथा है अधिकार प्रेक्षा और उत्प्रेषण इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे तो ये सारे रिट हैं जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए बनाए गए हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में बयालीसवें संशोधन बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा इक्यावन क के अंतर्गत संविधान में समाविष्ट किया गया था तो किस समिति के आधार पर सरकार सरदार स्वर्ण समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को 1976 में बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा इक्यावन के के अंतर्गत संविधान में समाविष्ट किया गया था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ तो हम जानते हैं कि हमारे संविधान में बारह अनुसूचियाँ हैं अब उन्हें हम डिस्कस करेंगे तो पहली जो सूची है पहली अनुसूची इसमें भारतीय संघ के घटक घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है तो पहली सूची में भारतीय संघ के घटक राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है जो दूसरी अनुसूची है इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है जो तीसरी सूची है इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है तो बड़ा आसान है पहला जो अनुसूची है वो राज्य और संघ से राज्य और संघ के लिए है दूसरा भारतीय राज्य व्यवस्था के जो पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन भत्ता और पेंशन और तीसरा शपथ और चौथी अनुसूची इसमें विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने का विवरण दिया गया है तो जो विभिन्न राज्यों और संघों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं उनके बारे में विवरण चौथी अनुसूची में है पांचवी अनुसूची इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है तो क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है तो वो अनुसूची है पाँचवीं अनुसूची छठी अनुसूची इसमें असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि छठी अनुसूची असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए है सातवीं अनुसूची इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में शक्तियों के के बंटवारे बारे में दिया गया है इसके अंतर्गत तीन सूचियां हैं संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची आठवीं अनुसूची इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है मूल रूप से इसमें चौदह भाषाएं थी संविधान के समय इसमें केवल चौदह भाषा थी तो इसीलिए हम कहते हैं कि मूल रूप से इसमें केवल चौदह भाषा थी नौवीं अनुसूची संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है तो नवी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया और इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया ये काफी है यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दसवीं अनुसूची यह संविधान के बावनवें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया तो पहला संशोधन हुआ था 1951 में जो संपत्ति के संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख करता है और दूसरा संविधान संशोधन बावनवा नाइनटीन एटी फाइव में जोड़ा गया और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है तो एक पार्टी से दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं इससे संबंधित प्रावधान दसवीं अनुसूची में है ग्यारहवीं अनुसूची या अनुसूची संविधान में तिहत्तरवीं संविधान संशोधन 1993 ये जो बाद में अनुसूचियां जोड़ी गई हैं आठ के बाद वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो किसी न किसी सन में आती हैं और किसी न किसी संशोधन द्वारा जुड़ी होती हैं तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जैसे ग्यारहवीं सूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई तो वो है तिहत्तरवाँ संविधान संशोधन किस सन में हुआ तो वो 1993 इसमें पंचायती राज संस्थाओं किसके लिए हुआ तो पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए उनतीस विषय प्रदान किए गए तो पंचायती राज्यों को कार्य करने के लिए उनतीस विषय प्रदान किए गए ये भी पूछा जाता है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए कौन सी सूची है तो ग्यारहवीं सूची है किस संविधान द्वारा जोड़ा गया तो तिहत्तरवें संविधान द्वारा जोड़ा गया किस सन में जोड़ा गया 1993 में जोड़ा गया बारहवीं अनुसूची यह अनुसूची संविधान में चौहत्तरवें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया तो उसी साल चौहत्तरवें संविधान संशोधन के द्वारा बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है कि बारहवीं सूची में जो बारहवीं अनुसूची में कितने विषय हैं तो वो अठारह विषय हैं किस संशोधन में चौहत्तरवां संविधान संशोधन किस सन सं में 1993 में किसके लिए शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के लिए तो हर लाइन में काफ़ी क्वेश्चन है बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है और सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक क्वेश्चन आया था एसएससी 2019 में 2019 में बंगाल का विभाजन तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था 19 जुलाई 1905 में भारत के तत्कालीन वायसराय थे उस समय लॉर्ड कर्जन तो पूछा गया था कि बंगाल के विभाजन के समय तत्कालीन वायसराय कौन थे तो वो थे लॉर्ड कर्जन किस सन में हुआ तो 1905 में हुआ 19 जुलाई को ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो क्वेश्चन काफ़ी घुमा पूछे जाते हैं भारत के वायसराय कौन थे बंगाल के विभाजन के समय तो वो थे लॉर्ड कर्जन अब राज्यों का पुनर्गठन तो भाषा के आधार पे 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया जो सबसे पहला राज्य बना जो भाषा के आधार पे गठन हुआ और वो हुआ 1953 में बाद में फजल अली आयोग की सिफारिशों ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के निर्माण का मार्ग प्रशस्त प्रशस्त किया निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया तो तिरपन में आंध्र प्रदेश का हुआ जो पहला राज्य था भाषा के आधार पर गठन होने वाला बाद में एक आयोग बना फजल अली आयोग जिसकी सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का निर्माण हुआ इसके आधार पर चौदह राज्य छः संघ शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ किसके आधार पर फजल अली आयोग के आधार पर चौदह राज्यों और छः संघ शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ एक मई 1960 को को तो वन मई 1960 को मराठी एवं गुजराती भाषाओं के बीच संघर्ष के कारण बम्बई राज्य का बंटवारा कर 1960 में मराठी और गुजराती भाषाओं के बीच संघर्ष के कारण बम्बई राज्य का बंटवारा करके महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्यों की स्थापना हुई 1960 में तो ये भी भाषा के आधार पर हुआ एक मराठी थे और दूसरे गुजराती थे मराठियों को महाराष्ट्र राज्य मिला और गुजरातियों को गुजरात भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा दमन व दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया किस सन में 1961 में बारहवें संविधान संशोधन द्वारा गोवा और दमन दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अंग बना दिया गया किस संशोधन द्वारा बारहवें संविधान संशोधन द्वारा गोवा दमन दीव को प्रथम परिशिष्ट में स्पेशल राज्य की तरह भारत का अंग बना दिया गया नागा आंदोलन के दौरान असम को विभाजित करके 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया तो नागा आंदोलन करने वालों को एक अलग राज्य दिया गया नागालैंड असम को विभाजित कर करके और वो हुआ 1963 में एक नवंबर 1966 में पंजाब को विभाजित करके पंजाबी भाषा और हरियाणवी एक हिंदी भाषी तो पंजाब को विभाजित करके दो राज्य बनाया गया पंजाब और हरियाणा जो पंजाबी थे वो पंजाबी भाषा वालों को पंजाब राज्य मिला और हिंदी भाषी को हरियाणा ये दो राज्य बना 1966 में पच्चीस जनवरी नाइनटीन वन को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया सो ट्वेंटी फाइव जनवरी 1971 सेवेंटी वन को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया तो पच्चीस जनवरी 1971 सेवेंटी वन को इक्कीस जनवरी 1972 सेवेंटी टू को मणिपुर त्रिपुरा मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1972 में मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय बीस फरवरी 1987 को मिजोरम अरुणाचल प्रदेश तथा 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तो 1987 में 20 फरवरी को मिज़ोरम और अरुणाचल और 30 मई को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल उत्तराखंड तथा बिहार से झारखंड नाम से नए राज्य बनाए गए 2000 में 2 जून 2014 को भारत का उनतीसवां राज्य तेलंगाना अस्तित्व में आया और यह आंध्र प्रदेश को विभाजित करके बनाया गया है जम्मू कश्मीर भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है जो कि 26 जनवरी 1957 से अस्तित्व में आया तो जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था जो अब समाप्त कर दिया गया है जो कि 26 जनवरी 1957 से अस्तित्व में आया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद वन जम्मू कश्मीर को भारतीय क्षेत्र के एक भाग के रूप में पंद्रहवा राज्य निर्दिष्ट करता है जो अनुच्छेद वन था वो जम्मू कश्मीर को भारतीय क्षेत्र के एक भाग के रूप में पंद्रहवा राज्य निर्दिष्ट करता है अनुच्छेद 370 के अनुसार संघ और समवर्ती सूचियों में संसद की राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्तियाँ उन मामलों में सीमित रहेगी जिनमें राज्य सरकारों की सहमति शामिल है तो अनुच्छेद 370 के अनुसार ये प्रावधान था कि जो संघ और समवर्ती सूची में संसद की और राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्तियाँ हैं वो उस मामलों में सीमित रहेगी जिनमें राज्य सरकार की सहमति शामिल होगी भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है कुछ मौलिक अधिकार हैं मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था मूलतः ये सात थे लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया तो पहले ये सात थे और बाद में छः हो गए क्योंकि 1978 में चौवालीसवें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया भारतीय संविधान और इस समय तो 11 हैं मौलिक अधिकार भारतीय संविधान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है जिसे पहला है समानता का अधिकार तो समानता का अधिकार आता है अनुच्छेद 14 से लेके 18 में तो अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता तो हमारे देश में सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान अधिकार है चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो अमीर हो गरीब हो सबके लिए समान कानून है तो समानता का अधिकार का जो पहला अनुच्छेद चौदह है वो कानून के समझ समानता दूसरा अनुच्छेद पंद्रह धर्म जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव करने का निषेध दूसरा यह कहता है कि धर्म जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं कर सकता है समानता का व्यवहार करना होगा अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सार्वजनिक नियुक्तियों के मामलों में अवसरों का समानता तो जो नियुक्तियां हैं उनके मामलों में भी समानता का अवसर मिले सबको ये 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 17 अस्पृश अस्पृश्यता का उन्मूलन तो ये किस अनुच्छेद में स्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में आता है तो वो है सेवनटीन इसमें छुआ का आता है और अनुच्छेद एटीन सैनिक और शैक्षिक उपाधियों के अलावा अनुपाधियों का अंत तो जो सैनिक और शैक्षिक उपाधियां हैं इनके अलावा अनुपाधियों का अंत स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं 19 से लेकर ट्वेंटी टू अनुच्छेद अनुच्छेद 19 कहता है वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण स्वतंत्रता कुछ भी करने का तो यह अनुच्छेद 19 अधिकार देता है किसी को कुछ भी करने की स्वतंत्रता है हमारे देश में अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण 21 को शिक्षा का अधिकार पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है तो वो इक्कीस क है अनुच्छेद इक्कीस क अनुच्छेद बाईस के अंतर्गत बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण तो अगर बंदी हैं तो उस अवस्था में उनका हमेशा संरक्षण होगा इक्कीस को छः से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है और यह अनुच्छेद अट्ठासीवें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इक्कीस को किसके लिए था वो छः से लेकर चौदह वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए किस अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया तो छियासवें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और अनुच्छेद 21 कौ में जोड़ा गया किस सन में जोड़ा गया तो 2002 में जोड़ा गया अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 चौबीस आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार में इसमें अनुच्छेद 23 से कहता है कि मानव के व्यापार और बंधुआ मजदूरों का निषेध तो इसमें बंधुआ मजदूरों के बारे में है और मानव कोई भी व्यापार कर सकता है मानव के व्यापार और बंधुआ मजदूरों का निषेध है यानी कि ये अनुच्छेद ये कहता है कि मानव का व्यापार या बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उद्योगों खानों और जोखिमों भरे कार्यों में लगाने का निषेध तो अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी उद्योगों में या कारखानों में या खानों में जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगा सकते ये अपराध में आएगा आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में आता है अनुच्छेद 25 से कहता है अंतकरण की स्वतंत्रता और धर्म को प्रदर्शित करने आच प्रदर्शित करने आचरण और उसका प्रचार करने का अधिकार तो अनुच्छेद 25 से कहता है कि हर चीज़ की स्वतंत्रता है धर्म को प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता अपने धर्म को आप प्रदर्शित कर सकते हैं आचरण और उसका प्रचार करने का अधिकार है अनुच्छेद छब्बीस के अंतर्गत धार्मिक क्रियाकलापों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है ठीक है अनुच्छेद सत्ताईस किसी भी धर्म विशेष के बढ़ावे के लिए चंदा देने की बढ़ावा देना चंदा देने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 27 के अंतर्गत अनुच्छेद 28 से कहता है शिक्षण संस्थाओं में पूजा के धार्मिक अनुदेशों से उपस्थिति की मुक्ति तो अनुच्छेद 28 के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में पूजा के धार्मिक अनुदेशों से उपस्थिति की मुक्ति उपस्थित होना जरूरी नहीं है अनुच्छेद २९ से ३० होता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के लिए इसमें उनतीसवां अनुच्छेद ये अधिकार देता है अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि या संस्कृति की रक्षा अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार तथा राज्य द्वारा स्थापित या राज्य कोष द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थान में प्रवेश पाने पर मनाही का निषेध तो ये अनुच्छेद यह कहता है कि किसी भी अल्पसंख्यक द्वारा अगर शैक्षिक संस्थाएँ स्थापित की जाती है उसका संचालन किया जाता है तो राज्य द्वारा या किसी अन्य कोष द्वारा सहायक द्वारा उनपे रोक नहीं लगना चाहिए वो कर सकते हैं मूल अधिकारों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय तो ये कुछ इम्पोर्टेंट केस थे मूल अधिकारों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय तो उसमें पहला केस था शंकरी प्रसाद केस 1952 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद तीन के तहत संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है तो जो शंकरी प्रसाद केस था वो 1952 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया था और अनुच्छेद 68 के अंतर्गत और उसमें यह कहा गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संसद मूल अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन बाद में गोलकनाथ केस हुआ 1969 में तो उसमें उच्चतम न्यायालय ने अपने पिछले निर्णय को पलटते हुए निर्णय दिया कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता और सारे अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता उसके बाद तीसरा एक केस हुआ केशवानंद भारती केस 1973 में यह ये सन काफ़ी इम्पोर्टेंट है 1952, 1969, 1973 इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं किंतु इससे संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए तो 1973 में निर्णय हुआ कि मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है लेकिन इससे संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन पूछता है कि भारत किस तरह का संघ है तो भारत तो राज्यों का संघ है भारत क्या है राज्यों का संघ किसके अंतर्गत यह आता है जो राज्यों को राज्यों का संघ बनाने की शक्ति है वो अनुच्छेद वन में है अनुच्छेद थ्री के अंतर्गत तेलंगाना का गठन हुआ था अब डिस्कस करते हैं कुछ संघीय कार्यपालिका के बारे में तो संघीय कार्यपालिका में पहला आते हैं राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति में राष्ट्रपति का जो पद होता है वो अनुच्छेद बावन के अंतर्गत आता है तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है राष्ट्रपति राष्ट्रपति में अनुच्छेद बावन में इनका पद है और 53 में राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्ति होती है तो बावन में पद और तिरपन में उनकी शक्ति इन्हें राष्ट्राध्यक्ष भी कहा जाता है और इनके लिए योग्यता है मिनिमम 35 वर्ष और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसका विवरण अनुच्छेद 54 में है निर्वाचन मंडल संसद के दोनों सदनों के चुने गए सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों से निर्मित होता है जो निर्वाचक मंडल बनते हैं राष्ट्रपति के लिए वो संसद के दोनों सदनों के चुने गए सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों से निर्मित होता है उनके पास कुछ शक्तियाँ होती हैं उनके कार्य और कुछ शक्तियाँ तो उनकी कार्य कह लीजिए या शक्ति अनुच्छेद 61 के तहत उनके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है अनुच्छेद 72 के तहत वो क्षमादान दे सकते हैं अनुच्छेद 85 से वो लोकसभा का विघटन कर सकते हैं ये सारी उनकी शक्तियाँ हैं अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति और सदस्यों का मनोनयन करने की शक्ति अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा इसमें 1962, 1971 और 1975 में तीन आपातकाल की घोषणा हुई थी 1962 में चीन के युद्ध के दौरान और 1971 में पाकिस्तान के युद्ध के दौरान और 1975 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था तो 356 के अंतर्गत राज्यों के संवैधानिक तंत्र में विफल होने से जो समस्या होती है उसकी व्यवस्था करना अनुच्छेद एक के तहत वो सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मुद्दे के ऊपर या कोई निर्णय लेने से पहले हालांकि ये सलाह मानने के लिए वो बाध्य नहीं होते हैं वो सलाह लेंगे लेकिन फिर वो अपना निर्णय अपने हिसाब से देंगे तो सलाह लेने की जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट से वो है अनुच्छेद एक के अंतर्गत उसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति उनका पद होता है अनुच्छेद 63 के आधार पर और अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति का पद होता है प्रधानमंत्री पद ये मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं तो जो उपराष्ट्रपति का पद होता है उसे हम राज्यसभा का सभापति भी कहते हैं और वो होता है अनुच्छेद 64 के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री का पद होता है वो 75 के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 75 में और मंत्रिपरिषद के प्रमुख के लिए एक पद होता है जिसे हम 74 अनुच्छेद में वर्णन है जिसका संसद अनुच्छेद 79 कहता है कि हमारे यहाँ एक संसद होनी चाहिए और वो संसद बनती है लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से अनुच्छेद एटी के अनुसार राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं एटी जो है राज्यसभा के बारे में है और अनुच्छेद एटी वन लोकसभा के बारे में लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं ये हम कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बाकी अदर भी आप पढ़ सकते हैं लेकिन ये वो हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं अनुच्छेद सौ ये अध्यक्ष निर्णायक मत जब किसी मुद्दे पर लोकसभा राज्यसभा दोनों में बात नहीं बन पाती है तो उसके अध्यक्ष के रूप में जो उपराष्ट्रपति होते हैं जो राज्यसभा के सभापति थे वो एक अपना निर्णय देते हैं तो अध्यक्ष अपना निर्णय तभी देते हैं जब सदस्यों जब सदस्यों से निर्णय नहीं हो पाता कुछ वो टाई की पोजीशन में आ जाता है तो अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देते हैं अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद को विशेषाधिकार है किसी भी कानून को बनाने के लिए 108 आठ के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन उपराष्ट्रपति बुला सकते हैं अनुच्छेद एक के तहत धन विधेयक पारित होता है जो धन विधेयक होता है उसमें लोकसभा के अध्यक्ष अपना अंतिम निर्णय देते हैं और संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है अनुच्छेद एक के अंतर्गत बजट के बारे में वर्णन है जहाँ वित्तीय वार्षिक लेखा देन का प्रावधान है अनुच्छेद हंड्रेड सिक्सटीन लेखानुदान या अतिरिक्त बजट के बारे में अनुच्छेद एक वित्त विधेयक के बारे में वर्णन करता है तो पूछा जाता है कि वित्त विधेयक के बारे में कौन सा अनुच्छेद है तो वो है अनुच्छेद 117 कुछ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उनमें से अनुच्छेद 124 जो फाइव कोर्ट का गठन करना किसी विशेष केस के लिए अनुच्छेद 131 क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 137 थर्टी सेवन न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के अनुरूप न हो तो ऐसी कोई चीज़ जो न्याय के अनुरूप नहीं होगा संविधान के अनुरूप उसका न्यायिक पुनरावलोकन करना ये सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं किसी मुद्दे के लिए हालांकि राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य नहीं होता कि वो उस सलाह को माने अगला पद होता है महान न्यायवादी ये प्रथम विधि अधिकारी होता है या संसद या मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है तो महान न्यायवादी को हम बोलते हैं प्रथम विधि अधिकारी और यह संसद और मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी का पद आता है और अनुच्छेद 148 तो बहुत ज़्यादा अनुच्छेद इसमें नहीं है 148 के अंतर्गत आता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे हम कैग बोलते हैं उसमें अक्सर से अक्सर सीनियर आई ऑफिसर आते हैं नियंत्रण को महालेखा परीक्षक के लिए वो उसको अनुच्छेद है 180, में। जिसको शॉर्ट में हम कैग बोलते हैं नियंत्रण महालेखा परीक्षक जिसमें नियुक्ति होती है सीनियर आई एस ऑफिसर की कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसमें आई के सीनियर ऑफिसरों की नियुक्ति होती है राज्यसभा आता है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत अधिकतम संख्या होती है 250। वर्तमान में होते हैं 245, जिनमें 233 राज्यों से तथा शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और उनके सदस्यों की सदस्यता होने की अवधि होती है छः वर्ष के लिए राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से थर्टी वन सदस्य महाराष्ट्र से 19, दूसरी सबसे ज़्यादा और इसके लिए आयु है तीस वर्ष केवल राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संविधान में अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सके। तो ये केवल राज्यसभा को अधिकार प्राप्त है कि वो संविधान के अनुच्छेद 49 के 249 के अंतर्गत राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है लोकसभा आता है अनुच्छेद 81 में अधिकतम सदस्य संख्या पाँच वर्तमान में इनकी संख्या है 545। इसमें 530 सदस्य होते हैं राज्यों से और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से दो सदस्य आंग्ल भारतीय जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं तो 545 में 530 सदस्य राज्य से 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और दो सदस्य आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं चौरासीवें संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक यथावत रहेगी तो चौरासीवें संविधान संशोधन के अनुसार क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक किस संशोधन के आधार पर यथावत रहेगी तो वो है चौरासीवा संविधान संशोधन लोकसभा की दो बैठकों में छः माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए लोकसभा के आयु मिनिमम आयु होती है पच्चीस वर्ष और इसके कार्यकाल की अवधि है पाँच वर्ष अनुच्छेद 108 सौ में संयुक्त अधिवेशन तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाने पर लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन तो के लिए बुलाते हैं अगर किसी मुद्दे पर दोनों सभाओं में राज्यसभा और लोकसभा में सहमति नहीं बन पाती है तो संयुक्त अधिवेशन तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है उसकी जो शक्ति है वो अनुच्छेद 108 में है पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर पूछता है कभी कभी कि जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे तो जीवी मावलंकर पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो मीरा कुमार थी अब जान लेते हैं कुछ शपथ और त्याग पत्र की विधि तो पद राष्ट्रपति इनका शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति ही प्राप्त करते हैं राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कभी कभी पूछता है कि राज्यपाल को शपथ दिलाने की शक्ति किसके पास है तो वो उस उसी राज्य के न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास और लेकिन त्यागपत्र राष्ट्रपति को देना होगा मुख्य न्यायाधीश शपथ पत्र राष्ट्रपति के द्वारा और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति के द्वारा तो त्यागपत्र ज़्यादातर राष्ट्रपति के पास ही देना होता है केवल राष्ट्रपति ही अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं तो ये याद करना काफ़ी आसान है कि उपराष्ट्रपति हो राज्यपाल हो मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री हो सभी लोग त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं केवल राष्ट्रपति हैं जो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। विधानसभा अनुच्छेद 170 के अंतर्गत आता है कार्यकाल इसका पाँच वर्ष आयु सीमा पच्चीस वर्ष प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम साठ ये नियम है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम साठ और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या कम से कम आठ और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं इसमें कुछ अपवाद हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश में केवल 40 होते हैं गोवा में 40 और मिज़ोरम में 40। सिक्किम में सबसे कम 32 सदस्य होते हैं विधानसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा होता है जो विधानसभा के सदस्य हैं वो वयस्क के मता मत के आधार पे हुआ उनका चुनाव होता है केंद्र राज्य संबंध इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है जो हमने डिस्कस किया है स्टार्टिंग में केंद्र राज्य संबंधों पर एक आयोग हुआ था सरकारिया आयोग जिसका गठन जून 1983 में हुआ था उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1988 में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है पूछता है केंद्रीय राज्य संबंधों पर जो सरकारी आयोग था वो अपनी रिपोर्ट कब सौंपा वो तो 1988 में एम एम पुंछी आयोग का गठन अप्रैल 2007 में किया गया और जिसने 2010 में अपनी रिपोर्ट सौंपी पंचायती राज अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है काफ़ी ज़्यादा पूछता है कि पंचायती राज किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है तो वो अनुच्छेद 40 किस समिति के आधार पर यह बना है तो बलवंत राय मेहता समिति ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो ये काम करता है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषदें इसके अलावा निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से लेकर तीन के अंतर्गत नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति के द्वारा होती है कार्यकाल छः वर्ष प्रारंभ में चुनाव आयोग एक सदस्य आयोग चुनाव आयोग एक सदस्य आयोग था परंतु उन्नीस से तीन सदस्य आयोग वर्तमान तक तो तिरानबे से वर्तमान तक अभी तक तीन सदस्य आयोग है सुकुमार सेन देश के पहले चुनाव थे सुकुमार सेन देश के पहले चुनाव थे। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है इसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत कौन करता है इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा